मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अहिल्या उत्सव समिति द्वारा अच्छी बारिश को लेकर इंद्रेश्वर महादेव शिव मंदिर में यज्ञ हवन किया गया। शहर को बीमारियों से बचाने के लिए भक्तों द्वारा शिव का जाप कर देवी अहिल्या माता से मन्नत मांगी गई। इंदौर शहर शुरू से ही धार्मिक नगरी और देवी देवताओं की मान्यताओं वाला शहर रहा है। शहर सहित प्रदेश में जून और जुलाई में हुई कम बारिश से मचे हाहाकार हुए। देवी मां अहिल्या उत्सव समिति द्वारा प्रतिवर्ष अच्छी बारिश और फसल को लेकर पंढरीनाथ स्थित इंद्रेश्वर महादेव मंदिर में पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा जाता है। यहां पर इंद्रेश्वर भगवान को मनाने के लिए शिव की विशेष आराधना की जाती है ताकि शहर सहित प्रदेश में अच्छी बारिश हो और अच्छी फसल से खुशहाली बनी रहे। पूजा पाठ में मौजूद लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का कहना था कि हवन के बाद विशेष रूप से सभी के आग्रह पर शिव भगवान की प्रार्थना के लिए जाप भी किया गया है और माता अहिल्याबाई से आग्रह किया गया है कि हम गलती हुई है तो उसे क्षमा करें और शहर में अच्छी बारिश और महामारी से दूर रखें। पुण्यतिथि पर भी इंद्रेश्वर महादेव पे अभिषेक करती है, रुद्राभिषेक करती है। और आपको ये भी मालूम है साधारणतः प्रतिवर्ष बारिश अच्छी हो, वर्षा अच्छी हो, ईश्वर की कृपा रहे इंदौर पर, ऐसा करके अहिल्या माता को याद करते हुए इंद्रेश्वर पे हमेशा अभिषेक किया जाता है। होता अभिषेक करो, इंद्रेश्वर को बोलो, ऐसी है इंद्रेश्वर पे निष्ठा है और अहिल्या माता पे निष्ठा है। तो आज वर्षा अच्छी हो इसलिए अहिल्योत्सव समिति की ओर से ये यहाँ पर रुद्राभिषेक किया गया। सही बात। अब देखो, हम लोग प्रार्थना ही कर, पेड़ पौधों से लेके हर एक की चिंता करती थी, हमने वो चिंता छोड़ दी है आजकल, है ना। तो कहीं ना कहीं हमसे गलती भी हो गई, तो इसलिए हम सब ने एक माला करी, नमः शिवाय की एक माला आखिरी में सबने करके, और अहिल्या माता को माफ़ी भी मांगी कि हम बच्चों ने कुछ गलतियाँ करे और रोगों के दुख दूर हो जाए, ये आखिरी में प्रार्थना करी। गलतियाँ हमारी भी थोड़ी होती है ना, कि हम पर्यावरण का ध्यान नहीं रखते, मगर आजकल इंदौर वाले अच्छा काम कर तो रहे हैं तो लगता ही होगा। श्रद्धा रखो और आएगी वर्षा, आएगी थोड़ी।